ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 समझ करके करिएगा। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 35 लिख गया है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जेई एडवांस 2025 में अपीयर होंगे तो आपको इस चैनल पे पूरी फिजिक्स के हर टॉपिक के वैरायटी ऑफ जितने भी क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल पे बनते हैं तब तक मैं करा दूंगा। 11th और 12th पूरी फिजिक्स के, मैकेनिक्स के भी, इलेक्ट्रिसिटी के, मॉडर्न फिजिक्स के, ऑप्टिक्स के और वेव साउंड, SHM वगैरह, हर चैप्टर के, हर तरह के क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैं करा दूंगा। जैसे अभी मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, हर हर टॉपिक के हर तरह के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो आप अगर आपका टारगेट अगर जेई एडवांस 2025 है तो आप हमेशा इस चैनल के टच में बने रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहें और हर टॉपिक के जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट करते न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ए नॉन कंडक्टिंग रिंग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जेई एडवांस का, ध्यान से देखिएगा। ए नॉन कंडक्टिंग रिंग हैज चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एजीमुथल एंगल एंड रिंग का रेडियस कैपिटल आर है। राइट हाफ ऑफ रिंग इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हाफ ऑफ रिंग इज नेगेटिव। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज, ये रिंग है, इसका राइट हाफ जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेफ्ट हाफ नेगेटिवली चार्ज्ड है। राइट हाफ पे प्लस क्यू चार्ज है, नेगेटिव हाफ पे माइनस क्यू चार्ज है। इसका रेडियस कैपिटल आर है और ये एंगल थीटा दे रखा है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट कॉस थीटा दिया हुआ है, जहां थीटा ये अजीमुथल एंगल है। तो अब आपको ये बताना है कि इस रिंग की वजह से यहां जो चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, इस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इसको करने से पहले, इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। राइट हाफ पॉजिटिव है, लेफ्ट हाफ नेगेटिव है। एक एलिमेंट हमने यहां पे ले लिया रिंग का, इसकी लेंथ डीएल है और इस एलिमेंट का चार्ज डी क्यू है, स्मॉल चार्ज डी क्यू है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट यहां पे ले लिया, इस पे चार्ज माइनस डी क्यू है और इसका लेंथ भी डीएल है। अब ये जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है इसके लिए एक एलिमेंट ले लिया, इस क्वाड्रेंट का हो गया, इस क्वाड्रेंट का हो गया। इस वाले क्वाड्रेंट में अगर लेंगे तो एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, डी क्यू चार्ज है, डीएल लेंथ है, और इसके जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में यहां पे माइनस डी क्यू चार्ज और डीएल लेंथ है, ये एलिमेंट्री चार्ज माइनस डी क्यू है। तो अब आपको इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले इस स्मॉल एलिमेंट का फोर्स इस पे देखोगे, ये प्लस डी क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू है, तो रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन हमेशा रेफरेंस चार्ज की तरफ होता है, यानी डायरेक्शन रिपल्सन का इधर होगा। तो इस फोर्स को हम डीएफ, स्मॉल फोर्स अगर हम डीएफ लेते हैं तो डीएफ जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी अगर हम इस तरह से देखें बच्चों कि इसका इस डायरेक्शन, इस वाले चार्ज का इस पर जो फोर्स है वो डीएफ इधर लगेगा, और इसी तरह से इस वाले चार्ज पर इस एलिमेंट का अट्रैक्शन जो है इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हो जाएगा डीएफ प्लस डीएफ, टू डीएफ फोर्स इधर लगेगा इस चार्ज पर, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की वजह से। अगर इस चार्ज पर हम इस स्मॉल एलिमेंट का फोर्स देखें तो रिपल्सन का फोर्स डीएफ इधर लगेगा, और इस स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज का फोर्स इस पे देखें तो अट्रैक्शन का फोर्स डीएफ इधर लगेगा।
यानी इन दोनों एलिमेंट का नेट फोर्स 2df इधर लगेगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो df का ये 2df का ये कंपोनेंट हो जाएगा 2df cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा 2df sin थीटा। 2df का ये कंपोनेंट होगा 2df cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा 2df sin थीटा। उसी तरह से df plus df 2df, 2df का ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 2df cos थीटा और इधर नीचे हो जाएगा 2df sin थीटा। अब 2df sin थीटा कैंसिल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन है, और 2df cos थीटा ऐड हो गया, इसका मतलब y एक्सिस के अलांग नेट फोर्स जीरो हो गया, y एक्सिस के अलांग नेट फोर्स जीरो हो गया। और x एक्सिस के अलांग, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस के अलांग दो x एक्सिस के अलांग इन दोनों एलिमेंट का जो नेट फोर्स है वो 2df cos थीटा प्लस 2df cos थीटा यानी 4df cos थीटा हो जाएगा। अब अगर इसी तरह से एलिमेंट लेते जाएं, ये एक एलिमेंट लिया, इसके बगल में इसके जस्ट अपोजिट ये लिया, इस तरह से एलिमेंट लेते लेते ये पूरी रिंग बना दें, तो जो जो एक्स एक्सिस के अलांग नेट फोर्स होगा वो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4df cos थीटा। एफ वाई जीरो है तो नेट फोर्स अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। एफ वाई जीरो है तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब हो गया 4 इंटीग्रेशन df cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। df क्या है? df है इस चार्ज पर एक स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज का फोर्स, तो df कूलम्स लॉ से 1 df कूलम्स लॉ से स्मॉल के q dq अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम देखें यहां पे तो लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी है वो dq by dl है, लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी है वो dq by dl है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर ये एंगल d थीटा है तो आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला एंगल डी थीटा के लिए होगा, यानी डी थीटा होगा डी क्यू बाई आर, यानी कि अगर हम डीएल को लिखना चाहें तो आर डी थीटा हो जाएगा। अगर हम डीएल, ये जो एलिमेंट्री लेंथ है आर्क है डीएल, डीएल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क डीएल अपॉन रेडियस आर। ये वैल्यू डीएल की अगर यहां से निकाले तो आर डी थीटा हो जाएगा, तो डीएल की वैल्यू आर डी थीटा यहां पुट कर दिया तो यहां से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, ये डी क्यू की वैल्यू यहां सब्सिट्यूट कर देंगे। अगर ये डी क्यू की वैल्यू हम यहां सब्सिट्यूट कर दें तो डीएफ जो हो जाएगा स्मॉल के क्यू लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर एक आर कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा बच्चों स्मॉल के क्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब ये वैल्यू डीएफ की हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन डीएफ, डीएफ की ये पूरी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 4 स्मॉल के क्यू बाई आर हो गया और इंटीग्रेशन के अंदर हो गया लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा। अब सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए यही आएगा, और लैम्डा की वैल्यू यहां पे दे रखा है लैम्डा नॉट कॉस थीटा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पे रख देंगे लैम्डा नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा डी थीटा, लैम्डा नॉट को बाहर कर लिया कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, लिमिट यहां पे 0 से पाई बाई 2 क्यों लगेगी? क्योंकि एक एलिमेंट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट का, तो इस क्वाड्रेंट का वेरिएशन जो है एंगल का 0 से लेके पाई बाई 2 होगा, तो 0 से पाई बाई 2 होगा, तो इसलिए लिमिट एक जो लिया जाएगा 0 से पाई बाई 2 लिया जाएगा। और इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 4 स्मॉल के क्यू लैम्डा नॉट बाई आर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप जानते हो कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी और 2 को बाहर लाए तो 2 से 4 कट गया तो यहां 2 हो गया, और इसके बाद अंडर ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो गया 1 डी थीटा और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया कॉस 2 थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 थीटा बाई 2। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2
अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो पाई बाई टू माइनस जीरो हो गया मल्टीप्लाइड बाई दिस। इसी तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा तो साइन पाई माइनस साइन जीरो आ गया। साइन पाई की वैल्यू आपको मालूम है जीरो होती है, साइन 180 की वैल्यू और साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो ये जीरो माइनस जीरो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया टू स्मॉल के क्यू लैम्डा नॉट बाई आर मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई टू, ये वैल्यू जीरो हो गई। अब यहां पे स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, क्यू लैम्डा नॉट बाई 2 यहां आ गया तो 2 आर इंटू पाई। अब इसको इसको जब सॉल्व किया तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे गया, पाई से पाई कट जाएगा, ये नीचे जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा। ये सॉल्व करने पे आपके बाद आएगा लैम्डा नॉट क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से ऑप्शन 3 जो है इसका सही होगा, लैम्डा नॉट क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर। इसको आप देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।